कि दो सब बच्चों के लिए एसएन सर। फिर कार्यक्रम के समापन की घोषणा हम बाकी मैक्सिमम जो आप अचीव किए हो ये बस एक शुरुआत ही मात्र आप समझें, और इसके आगे जिस तरह से आपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़ाइयाँ की थी आगे भी उसी तरह से कंटिन्यू रखने की कोशिश करिएगा, वरना सामाजिक माहौल जिस तरह से मौजूद है और आपके साथ जिस तरह का बदलाव है उस बदलाव में कहीं बदल जाने की अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित जानिए हम सब अपने लक्ष्य दूर जाते हैं। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि बदलाव से बदलिए मत, बदलाव को और ज़्यादा अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करें और इसी कोशिश से आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप हमेशा बदलते रहेंगे तो परिस्थितियाँ आपको हमेशा नीचा दिखाती रहेंगी। परिस्थितियों को नीचा दिखाने का काम जो करता है वही जीवन में सबसे ऊपर जाता है। आप जिस भी परिस्थिति में जाइएगा, जिस भी माहौल में जाइएगा, वहाँ परिस्थिति से खुद को बदलने के बजाय खुद से परिस्थिति को बनाने की कोशिश करिएगा, और अपने एक मोटो को जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके अपने आदर्श हैं, मैं नहीं जानता कि हर व्यक्ति के क्या आदर्श हैं, लेकिन जो आपके अपने आदर्श हैं वो ज़रूर आप पूरा करने की या उसे अचीव करने की पाने की ज़रूर कोशिश करिएगा। बाकी जब भी आप उसको पाएंगे तो आपने जैसे आज खुशियाँ दिख रही हैं ये खुशियाँ पूरे जीवन भर बनी रहेंगी। हम हमेशा एक बात कहते थे, क्लास में भी कहते थे कि इंजॉय और जॉय, इंजॉय बहुत सार्टन खुशी है, हैप्पीनेस है, मतलब कहते हैं सार्टन हैप्पीनेस। तो लाइफ में अगर जॉय चाहिए तो आपको थोड़ा थोड़ा इंजॉय को समझौता करना पड़ता है, तो अपने उस छोटे छोटे इंजॉय से बचने की कोशिश करिएगा। अभी हमारी बेटी हमसे डिस्कस कर रही थी कि ग्रुप अच्छा होता है या इंडिविजुअलिटी, तो मुझे लगता है कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए आपको अकेला होना पड़ता है, तभी ग्रुप आपको बड़े लक्ष्य तक नहीं ले जाता है। तो इसलिए अगर आप बड़े लक्ष्य जानते हैं, बड़े लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो अपने को ज़रूर समझिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझिए, अपने आप विश्वास को समझिए और अपने आप को समझिए और अपनी कमजोरियों को रोज़ दूर करने का प्रयास करिए, क्योंकि जीवन शायद इसी का नाम है। इसीलिए जब हम मरते हैं तब हम समझ पाते हैं कि जीवन होता क्या है, तो अपनी कमजोरियां जो हैं उसको रोजाना दूर करिए। और इन्हीं छोटे से सीख और वाक्य के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपनी रोज़ ये कमजोरियां मजबूत बनाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।